खबर पौड़ी मुख्यालय से है, जहां रविवार को मास्टर शेफ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पहाड़ी व्यंजनों पर आधारित मास्टर शेफ प्रतियोगिता में नीतू की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है, जबकि महिला सफाई समूह की टीम दूसरे स्थान पर रही। इसके साथ ही तीसरा स्थान तीलू रौतेली स्वयं सहायता समूह को मिला है। दरअसल प्रतियोगिता में कुल 28 महिलाओं का समूह ने हिस्सा लिया। बता दें कि प्रतियोगिता के अंत में सभी प्रतिभागी महिला समूह को सांत्वना पुरस्कार भी दिया गया, वहीं प्रमाण पत्र के साथ उपहार भी दिए गए। आपको बता दें कि स्थानीय महिला प्रियंका थपलियाल की पहल पर पौड़ी में पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि आयोजित प्रतियोगिता का उद्देश्य पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने का एक प्रयास था। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह के प्रयास किए जाएंगे। पौड़ी से मुकेश बच्चेति की रिपोर्ट। यहाँ पर आयोजित किया गया है, इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ संस्था के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ता सभी सदस्यों का, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार पौड़ी में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है कि मास्टर शेफ माने जो खाना बनाने में सबसे टॉपर आएंगे उनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा अभी। और ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी जो जज साहबान हैं उनके माध्यम से हर टेबल पर जाकर सभी का खाना टेस्ट हो रहा है, और उसके बाद जिनको जो नंबर मिलेगा, जो कैटेगरी मिलेगी, उस हिसाब से उनको पुरस्कार संस्था के द्वारा दिए जाएंगे। तो ये अच्छा कार्यक्रम है कि किसी के अंदर कोई प्रतिभा छुपी हुई है उसको बाहर निकालने का ये एक कार्यक्रम है। प्रयास किया है मास्टर शेफ पौड़ी करके, जिसमें पहाड़ी व्यंजनों का एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन हमारे 32 समूहों के हुए थे, पर किस कारणवश कुछ बारिश की वजह से कहीं फंस गए हैं, तो हमारे 4 समूह नहीं आ पाए थे। 28 समूह इस टाइम पे हमारे साथ है, जिसमें एक समूह में 3 से लेकर 8 महिलाएं तक है, और बाकी हमारे पीछे मुख्य निर्णायक हमारे सहयोगी मास्टर शेफ पौड़ी सुश्री अनामिका जी, और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जजमेंट चल रहा है पीछे, उत्साह बहुत दिख रहा है हम लोग।